जुलाई का लगभग आधा महीना बीत चुका है, लेकिन बारिश का इंतजार अभी भी इंतजार ही बना हुआ है। कुछ समय आसमान में काले बादल छाए और किसानों को भी उम्मीद जगी, लेकिन बादलों के ना बरसने से उनकी उम्मीद पर एक बार फिर पानी फिर गया। भोपाल के अन्नदाता अब बारिश के इंतजार में हैं, लेकिन मौसम की बेरुखी अन्नदाता को और मायूस कर रही है। मध्य प्रदेश में इस बार मानसून कमजोर साफ नजर आ रहा है, जिसका खामियाजा प्रदेश के अधिकांश किसानों को उठाना पड़ रहा है। बारिश नहीं होने से कई किसानों की फसलें खराब हो चुकी हैं और अन्नदाता इसी बात से चिंतित भी है। कई फसलें ऐसी हैं जो इस समय तक काफी बड़ी हो जाती थी, लेकिन बारिश की बेरुखी के चलते इन फसलों की हालत भी खराब हो चुकी है। राजधानी भोपाल से कुछ ही दूर नीलबड़ स्थित बरखेड़ी ग्राम में भी किसानों की फसलें यही गवाही दे रही हैं। यहाँ लौकी, तिल्ली और सोयाबीन की फसलें पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। मौसम को देखकर कुछ किसानों ने लौकी की खेती की थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस बार मानसून उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देगा। तो इनमें दिक्कत यही है कि कोई भी चीज़ समय पर अच्छी रहती है, बारिश होना था समय पर, 20-25 दिन पानी लेट हो गया बोने के बाद, तो उसको पूरा पोषण नहीं मिल पाया। अब इस कारण ये सोयाबीन कम से कम घुटने तक आता था, अभी तो अब एक बीते हुए भी नहीं है, तो फल फूल आना नहीं है, 2-4 फली आया करेगी, लागत निकलना मुश्किल है इस बार। कुछ किसानों ने मुनाफे को लेकर इस बार तिल्ली की खेती पर ज्यादा ध्यान दिया था, लेकिन मानसून की बेरुखी ने उन्हें भी मुसीबत में डाल दिया। तिल्ली की खेती अब बर्बादी की कगार पर आ गई है, किसानों को अब खेती से ज्यादा उम्मीदें नहीं रही। लौकी लगाई थी साहब, सोचा था कि लौकी लगाई कुछ मुनाफा मिलेगा, मगर यहाँ से ये पानी नहीं गिरा तो बस सब पत्ते सूख गए, अब क्या करें लौकी। सोयाबीन की खेती को लेकर मध्य प्रदेश को कई बार अवार्ड भी मिल चुके हैं, लेकिन इस बार सोयाबीन की खेती इन किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। जिस समय सोयाबीन घुटनों तक आ जाना था, वही सोयाबीन ऐसा दिखता है जैसे उसे अभी लगाया गया हो। किसानों का भी कहना है कि अब बारिश हो या ना हो, उन्हें सोयाबीन से इस बार नुकसान हुआ है। खेती को लेकर सरकारों द्वारा कई दावे किए जाते हैं, लेकिन आज भी हमारा किसान पूरी तरह मौसम के भरोसे है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।